ओए होए 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 होए। तो ये जी मेरा कॉम्बो प्लेटर, इसमें ऊपर बारबेक्यू सॉस है। ओके सो हाउ मच शुड आई पे फॉर द मोटरसाइकिल? व्हाटएवर द पोस्टेड प्राइस इज, आई बिलीव इट्स हाफ प्राइस। क्या मजेदार किस्म का ये सिनेमन रोल है। मैं कहना अपने हुंजा नथिया के लिए मरी हर जगह ये कर देना चाहिए। फाइनली वैंकूवर तक पहुंच गया भाई, ये जो फील है ना बहुत अलग है भाई। टोटल 1605 किलोमीटर कर चुका हूँ मैं कनाडा में, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। एक जो ख्वाब पूरा होने की वो फील आती है ना, आप में से शायद कोई समझ पा रहा हो कि इस टाइम मैं क्या फील कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम शपै गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आर एच एस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। इस टाइम मैं विस्लर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको विस्लर भी आप जान चुके होंगे कि ये मेरी एक फेवरेट तरीन जगह हो चुकी है। खैर अभी सुबह सुबह का टाइम है, उठ के मैं रूम से बाहर आया हूँ, मैंने देखा है कि ये टाउन की स्टिल वही फील मुझे आ रही है जो परसों, मतलब जब मैं एंटर हुआ था विस्लर में, तो वो जो लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, एग्जैक्ट वो वाली चीज़ हुई मेरे साथ। मतलब मैं परसों जब आया मेरे माइंड में नहीं था कि अच्छा विस्लर इस तरह की चीज़ होगी, जब मैं एंटर हुआ तो वो क्या ये कमाल किस्म की जगह है। खैर कल पूरा दिन मैंने यहाँ गुजारा, अभी भी मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, फिलहाल निकलना तो है। तो ये सामने जो बेकरी है जहाँ से कल मैंने नाश्ता किया था वो भी मुझे बड़ी पसंद आई, तो मैं अभी फिर वहीं पे नाश्ता करूँगा। अच्छा यहाँ मैं जब भी टाउन में निकलता हूँ ना, मुझे लगता है मैं किसी मूवी या सीज़न के अंदर आ गया हूँ एकदम से, इतनी ये खूबसूरत जगह है। खैर नाश्ता मैं करूँगा जी हॉट बंस बेकरी से, ये बड़ी मज़ेदार बेकरी है यार, लाइव बेकिंग होती है यहाँ पर। अच्छा भाई मैंने लिए सिनेमन रोल विद आइसिंग ऑन टॉप और साथ में कैपेचिनो। क्या मज़ेदार किस्म का ये सिनेमन रोल है, और वो जो आइसिंग ऊपर मज़ा करवा रही है ना। खैर आज का जो प्लान है वो ये है कि मैंने यहाँ से निकलना है विस्लर से, और मैं जाऊँगा आज वैंकूवर। वैंकूवर यहाँ से 147 किलोमीटर, तकरीबन एक घंटा और 21 मिनट की ये राइड होगी। तो जिस तरह मैंने विस्लर की तारीफें सुनी थी, हर बंदा मुझे कहता था कि विस्लर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होगी, तुम जाओगे सब भूल जाओगे। इसी तरह मैंने सुना है कि जो विस्लर से वैंकूवर का रास्ता है वो कोई नेक्स्ट लेवल है। अच्छा जैसे मैंने आपको बताया था कि इस विलेज की जो पार्किंग है वो मेन विलेज से बाहर है, मतलब मेन रोड के दूसरी साइड पे पार्किंग है। वहाँ पे आप गाड़ी मोटरसाइकिल पार्क करके वॉक करके विलेज के अंदर आओ। इस चीज़ का इतना फ़ायदा है कि आपको विलेज में फिरते हुए उसकी एक्चुअल फील आती है कि यार ये कोई चीज़ है। और नुकसान छोटा सा ये है, वो भी मेरे जैसे बंदे के लिए, कि इस तरह से चीज़ें उठा के जो है ना वो मुझे रूम से पार्किंग तक जाना पड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ मेरे केस में है, अगर कोई गाड़ी पे होगा तो वो अपनी बस बैग निकालेगा और ले जाएगा होटल। इतनी अच्छी चीज़ है। अब इस तरफ जो आपको सारी साइड नज़र आ रही है, यहाँ सारी पार्किंग है रोड के उस तरफ, और रोड के इस तरफ जो है वो सारा विलेज है। मैं कहना अपने हुंजा नथिया के लिए मरी हर जगह ये कर देना चाहिए कि जो मेन टाउन है उससे बाहर पार्किंग हो, ताकि असल फील आ सके उस जगह की। जिस दिन मैं विस्लर आया था रास्ते में इतनी बारिश थी कि उसकी वजह से क्या हुआ कि हेलमेट मेरा पूरा गीला हो गया। उस टाइम पता नहीं सर्दी लग रही थी या मैं खुद पूरा गीला हुआ था, मुझे पता ही नहीं लगा। तो इसको कल मैंने पूरा दिन जो है वो रखा तो था, लेकिन कल पूरा दिन धूप ही नहीं निकली और आज निकल आई है। और दूसरा सबसे जो बुरा सीन हुआ वो ये हुआ कि जो मेरा ये माइक लगा हुआ है गोप्रो के साथ, इसका ऊपर से फोम उतर गया। अब उस फोम के उतरने का नुकसान ये हो सकता है कि आपको मेरी शायद उतनी जो है ना वो सॉफ्ट वॉइस ना आए, थोड़ी सी हार्श हो। लेकिन मैंने उसको जो मेरा कार्डो का माइक है उसका जो फोम है मैंने उसके अंदर तुन तो दिया उसको, तो अल्लाह करे आज ठीक ही हो। ये अब जाके ही जब मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मुझे तभी पता लगेगा। तो सॉरी इन एडवांस अगर आपको कोई भी आज आवाज़ में मसला फील हो, बट अल्लाह करे यार आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल ठीक आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। कल तो मैंने आपको पूरा टाउन जो है वो बाय वॉक दिखाने की कोशिश की जितना पॉसिबल था, आज ज़रा ये आप साथ साथ देखते जाओ कि कितना खूबसूरत ये टाउन है। ये इसी विलेज के अंदर ही ये रोड्स बनी हुई हैं, और मतलब मेन जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था वो इस साइड पे है। अब ये बीच में एक रोड है, फिर इस साइड पे भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, फिर इससे आगे भी इसी तरह से। बट जो वाइब है इस जगह की वो मुझे ऐसा फील होता रहा कि मैं किसी दो दिन में रहा हूँ और मुझे लगा मैं किसी मूवी के अंदर हूँ, और एग्जैक्टली जैसे कोई सीज़न चल रहा होता है ना उस तरह की बिल्डिंग्स और उस तरह के कैफ़ेज़ बेकरीज, लोग बैठे हैं फिर रहे हैं, वो जिस तरह पीकी ब्लाइंडर था ना वो वाली फील मुझे आ रही थी।
ये रास्ता गया जी स्क्वैमिश और वैंकूवर की तरफ, और राइट पे गया पेम्बरटन की तरफ। पेम्बरटन भी बहुत अच्छा है, एक स्मॉल सा टाउन है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा पीस चाहिए हो, जो कि इससे ज़्यादा मेरे ख्याल किसी को चाहिए होगा नहीं, तो आप पेम्बरटन जाके स्टे कर सकते हो या स्क्वैमिश कर सकते हो। ये दोनों जो है वो 40-40 किलोमीटर तकरीबन दूर है यहाँ से, और अक्सर लोग करते हैं ऐसा। विस्लर जो है, मैं दो दिन जो यहाँ रहा हूँ, मैंने कोई 80% या आप कह लो कि 90% लोगों को यहाँ पे साइकिल एक्टिविटी करते देखा है। यहाँ पे ट्रेल्स हैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल, मतलब ये दुनिया का एक बेस्ट स्की रिजॉर्ट इसको कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ ऐसी स्की होती है, और गर्मियों में वो सारे ट्रेल्स बन जाते हैं जिस पर कोई 90% लोग साइकिलिंग कर रहे थे, और अगले एक दो हफ्ते के लिए साइकिल्स बुक थे, मैंने पता किया था। तो अगर आप इस चीज़ के शौकीन हो और करते रहते हो तो आप यहाँ वाले कर सकते हो। मतलब बीच में इजी वाले भी हैं, एक दो 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 किलोमीटर वाले सीधे सीधे, बट जो लोग कर रहे हैं वो ये तो जाते हैं, मतलब वो गेंडोला इनको पहाड़ के ऊपर लेके जाता है, और वहाँ से फिर ये साइकिल जो है ना वो इतने स्टीप, मतलब मैं तो हैरान रह गया था यार कि इतनी स्पीड में किस तरह पॉसिबल है, ये लोग कैसे आ रहे हैं, इनकी ब्रेक कैसे लगती होगी। बट ऑफकोर्स वो सारे ट्रेन हैं, तो वो वाला बड़ा काम यहाँ पर हैवी है भाई। और यार मैं जब से होटल से चेकआउट करके निकला हूँ ना, वो जो एक आपके दिमाग में नहीं होता कि चीज़ें तो मैंने सारी रखी हैं, लेकिन वो दिमाग में कहीं ना कहीं एक फील आ रही होती है कि यार मैं कुछ भूल गया हूँ। और अब बाइक चली है, पाँव में सर्दी लगी है, तो मुझे याद आया कि मैं अपने राइडिंग शूज़ वहीं भूल आया हूँ होटल में। शिट, ओए ओए ओए, अब पैरों में बहुत, वैसे ऑनेस्टली अब वो शूज़ की उम्र पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी जो ठंड लग रही है ना पाँव में वो बहुत क्रेज़ी है, और ये थोड़ा अनसेफ भी है मुझे पता है। मैं कभी भी अपने राइडिंग बूट्स के बगैर राइड करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है बाहर से, तो आपका पाँव किसी चीज़ पे लगे तो बचत हो जाती है। अब हो गया है, अल्लाह खैर करे आज आगे भी, आमीन। ये मैं स्क्वामिश पहुंच गया हूं, और यहां से पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। पेट्रो कैनेडा, अरे साढ़ा 91। लो जी टैंका फुल, और टैंका कितने का हुआ है हमारा, 18.5 डॉलर्स का, 8.5 लीटर डला है। और स्क्वैमिश में पेट्रोल महंगा है भाई, यहाँ पे 211.9 का है, मतलब कि $2.11 का, पीछे 197-196 इस तरह से था। यहाँ पे महंगा है, अच्छा खासा ही महंगा, मतलब ये 211 मैंने और कहीं भी नहीं देखा पहले। सामने सीन चेक करो कितना खूबसूरत है यार, और इस तरफ जो है वो सारा सी शुरू हो चुका है, और ये है सी टू स्काई हाईवे तकरीबन 50 किलोमीटर। ओए होए होए क्या खूबसूरत व्यू है, ये तो एकदम मुझे थाईलैंड याद आ गया। 50 किलोमीटर रह चुका है वैंकूवर। एक और ट्रैफिक रूल बताता हूँ आपको, अगर कैनेडा में आप रोड पर जा रहे हो तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर लेन अपनी चेंज करनी है, तो आपने सिर्फ साइड मिरर में नहीं देखना, साइड मिरर भी देखने हैं, लेकिन इधर शोल्डर चेक मस्ट है। शोल्डर चेक का मतलब है कि आपने, अगर मैंने इस लेन में जाना है तो मैं ऐसे मुड़ के पीछे जो है ना वो एक दफ़ा देखूंगा अपने कंधे वाली साइड पे कि पीछे क्या आ रहा है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट पे अक्सर चीज़ें होती हैं जो आपके मिरर में नहीं आ रही होती, और आप मुड़ जाते हो और पता लगता है कि वो चीज़ यहाँ पर थी, और वो आपको हिट कर जाती है। ये शोल्डर चेक इतना इम्पॉर्टेंट है, और वाकई में ये बहुत यूज़फुल चीज़ है भाई। यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने जाओ, और ड्राइविंग के दौरान या मोटरसाइकिल राइड के दौरान आपने शोल्डर चेक ना किया हो तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने जाओ तो अगर आप शोल्डर चेक कर लो, मतलब मुड़ के देख लो, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि ओ तू मुड़ के देखे शीशे च नहीं देखा। मुझे मेरा ख्याल है कि ऐसा होता है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो। मतलब टोटल ऑपोजिट है, यहाँ पे शोल्डर चेक ना करो तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में शोल्डर चेक करो तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। ओए होए होए हो, समंदर चाहो इसके शपैक हो जाए। सारी रात जागी ना सोई वे।
नहीं जी, अब आके भाई ने स्टॉप लिया आज पूरे रास्ते में। मैं सिर्फ एक जगह पेट्रोल के लिए रुका और एक जगह मैं ड्रोन के लिए रुका था, बाकी मैं कहीं पे भी नहीं रुका। और अभी सीधा पहुंच के जब मैं मतलब हाईवे पे अभी कोई 20 किलोमीटर पीछे ना, अलग सी फील आने लगी। मतलब सब चीज़ें चेंज हो गई, हाईवे चेंज हो गया, ट्रैफिक चेंज हो गई, माहौल बदल, मतलब एक वो एकदम से आपका पूरा जोन नहीं चेंज होता, वो वाला सीन हो गया। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले बार बार एग्जिट आ रहे थे, बार बार एग्जिट आ रहे थे, वेस्ट वैंकूवर, ईस्ट वैंकूवर, फलाना वैंकूवर, टिमकाना वैंकूवर। तो ये वाली जो हाईवे है, बाकी पहले जो हाईवे उन पे रुकने की जगह आती रहती है, इस हाईवे पे पिछले 30, 40 या 50 किलोमीटर से कोई रुकने की जगह नहीं आ रही थी, सिर्फ एग्जिट आ रहे थे कि आप निकलो, नीचे जाओ, कोई टाउन्स हैं वहाँ पे रुको। तो मैं एक टाउन में आके यहाँ पे रुका और मुझे क्या पता लगा कि बिल्कुल सामने वैंकूवर है। अगर मैं सीधा चला जाता तो मैं और साइड पे चला जाता, जो डाउनटाउन है वो इस साइड पे। खैर अभी मैं यहाँ से ज़रा एक कॉफ़ी शॉप ही पीऊँगा, क्योंकि वो 140 किलोमीटर की राइड, कॉफ़ी पीता हूँ ताकि फिर आगे अभी देखता हूँ कि सीधा डाउनटाउन जाऊँ या सीधा होटल जाऊँ, अभी वो प्लान करना मैंने। यहाँ पे स्टोर्स में आपने खुद कॉफ़ी बनानी है, मीडियम और लार्ज। हम लेते हैं ज़रा मीडियम, और हॉट चॉकलेट, फ्रेंच वनीला कैपेचिनो, इंग्लिश टॉफी कैपेचिनो, मोका फ्रेंच वनीला कैपेचिनो। कॉफ़ी रेडी, यहाँ से आप कोई भी शुगर लेते हो या स्वीटनर लेते हो, वो लो, स्टेरर लो, ये उठाओ, बंद करो, पे करो, निकल जाओ। ये हर जगह पे सेल्फ सर्विस वाला जो काम है ना, ये सबसे अच्छा है कि मतलब आप खुद ही जाओ, चीज़ें उठाओ, बस सिर्फ उन्हें पैसे देने के टाइम आपने उनके मत्थे लगना है, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कहने की कि यार मैंने ये दे दे या वो दे दे, होना चाहिए वैसे इसी तरह सुकून से। अभी 2:30 की मुझे कॉफ़ी मिली है, $2.37। हमेशा जो गैस स्टेशन की कॉफ़ी होती है वो चीप होती है। यार इसको ज़रा साफ़ कर लें, वो जो मच्छर उस दिन चिपके थे इतने हज़ारों, वो अभी तक वैसे ही लगे हुए, तो वो आपको गंदा व्यू आता होगा शायद। इन्हों लश्का लिया ज़रा, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। वो पता नहीं कित मच्छर ऐसे चिपके नहीं है, सिर्फ गूंद लग गई है उनको। चलो फिर भी कुछ बेहतर तो होगा यार, साहब जी आप ही सोख जाएगा, 10 रुपये हो गए। अच्छा तो भाई मैं भी इंटरनेट पे चेक कर रहा था, तो मुझे पता ही ये लगा है कि मैं वैंकूवर के अंदर एंटर हो चुका हूँ। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फाइनली वेलकम टू वैंकूवर। ये सारा वैंकूवर शुरू हो चुका है, असल में वैंकूवर है बहुत बड़ा। मैं इस टाइम नॉर्थ वैंकूवर के करीब हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ यार एक मैंने यहाँ पे खाना सर्च किया है, हलाल मिडल ईस्टर्न फूड है कोई, ज़रा रोटी शोटी खा लेंगे ना तो ज़रा दिमाग ज़्यादा चलेगा फिर। अभी फ़िलहाल बादल साइडों पर बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन धूप ऊपर टिका के निकली हुई है। अभी मैं जा रहा हूँ नॉर्थ से साउथ वैंकूवर की तरफ, ये ब्रिज कनेक्ट करता है दोनों को। इस तरफ पीछे था नॉर्थ वैंकूवर, साउथ वैंकूवर, और वो मुझे डाउनटाउन नज़र आना शुरू हो गया है, जो असल वैंकूवर, मतलब मेरे माइंड में जो वैंकूवर है वो तो बेसिकली एक डाउनटाउन है, बाकी वैंकूवर वैसे बहुत बड़ा है। ओहो हो, ये जो राइड स्टार्ट हुई थी कैलगरी से, फाइनली वैंकूवर तक पहुँच गया भाई। ये जो फील है ना, बहुत अलग है भाई, शदीद ही ग्रीनरी शुरू हो गई, और मुझे वो मतलब मेरी वो फील जा नहीं रही, वो जो एक अचीवमेंट अनलॉक्ड वाला सीन होता है ना, कि कहाँ से राइड स्टार्ट की थी कैलगरी से, और टोटल 1605 किलोमीटर्स कर चुका हूँ मैं कनाडा में। यार क्या बैंफ नेशनल पार्क, जस्पर नेशनल पार्क, फिर वो ब्लू रिवर वाली जो रात थी, वो किस किस को याद है वो कॉमेंट करके बताओ, वो सबसे क्रेजी वो वाली रात थी। उसके बाद कैमलूप्स, फिर वहाँ से होते हुए विस्लर, फिर विस्लर से होते हुए वैंकूवर, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एक जो ख्वाब पूरा होने की वो फील आती है ना, आप में से शायद कोई समझ पा रहा हो कि इस टाइम मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। मैंने मतलब मैं सोचा था कि यार कैलगरी टू वैंकूवर राइड करूँगा, और फाइनली मैं वैंकूवर पहुँच चुका हूँ। ये सामने आपको डाउनटाउन की बिल्डिंग्स नज़र आनी शुरू हो गई हैं। ओहो हो, क्या बात है जी, डाउनटाउन सामने है बिल्कुल हमारे, और रेस्टोरेंट रह गया जी 2.1 किलोमीटर्स डाउनटाउन में ही है ये रेस्टोरेंट। ओए, शायद मैं वैंकूवर आता ना वैसे ही फ्लाई करके, और फिर मैं वैंकूवर देखता तो शायद मैं देखता कि यार कितना अच्छा सिटी है। इस टाइम वो जो एक वो जो फील है ना एक, वो बहुत अलग है ये सामने बिल्डिंग्स देख के, कि मतलब you do.
till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. यहाँ पे है जी रेस्टोरेंट आगे, लेकिन मसला ये है कि पार्किंग कहाँ करनी है। मिल गई है जी पब्लिक पेड पार्किंग रेस्टोरेंट की बैक पे ये, और वो वहाँ पे उसके बाहर भी मैं लगा सकता था अगर मैंने 10-15 मिनट रुकना होता मेरे ख्याल। जब से मैं कनाडा आया हूँ मैंने पब्लिक पेड पार्किंग अभी तक यूज़ नहीं की क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, अब करनी पड़ रही है तो पे हेयर देखता हूँ किस तरह से पे करना है। ये लगी हुई है दोनों मशीन, यहाँ पे कोई भी अपना वीज़ा या मास्टर कार्ड डालना है। अच्छा जी, 30 मिनट के लिए $5, एक घंटे के $10, डेढ़ घंटे के $15, एक घंटे वाली पार्किंग ले लेते हैं। द कार्ड इज़ डिनाइड, दिस मीटर एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड ओनली, मेरा क्रेडिट नहीं है डेबिट है। पार्किंग सीन ऑफ, ये तो मिशन पार्किंग हो गया यार, यहाँ मैं पार्क नहीं कर सकता ऐसे ही क्योंकि है कोई भी नहीं यहाँ पे, लेकिन रूल्स पक्के होते हैं भाई। यार ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। यार खाना मैंने यहाँ पे खाना है तो यहाँ मैंने बाइक पार्क की, अभी मैं उनसे पूछता हूँ ज़रा कि क्या यहाँ पे पार्क कर भी सकते हैं कि नहीं। हाँ Machine says fails. Fail? So someone's like plugged the machine. Well, here's the caveat. So now it says fail. I would take a picture of it, just so you have it. But what they do is they take a magnet and fish out the coins, and then start flashing 4-0. So when the officer comes by, Actually, I don't have any app. Yeah, just quickly down. You just need your credit card and then your license plate. I have debit card. Just try and save money. Otherwise, just pay coins. But if it says fail, okay. You don't have it. Just take a picture of it. Okay. Just in case, like I said, someone fish out the money. Okay, so how much should I pay for the motorcycle? Whatever they'll post to price it, I believe it's half price. And then there's some motorcycle only meters that... Thank you. There's a lot of free motorcycle spots downtown. अच्छा भाई, तो यहाँ पे जो पार्किंग है ये वाली, ये राइट वाला मोटरसाइकिल के लिए, लेफ्ट वाला मीटर इस गाड़ी के लिए, इसी तरह आगे भी लगे हुए हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, 9 AM to 6 PM $3 per hour, 6 PM to 10 PM $6 per hour। लेकिन ये पता नहीं यार ये किस तरह से मतलब वो करेगा, ये सिक्का डाल के देखते हैं यार, कोई पता नहीं यार, ये ओल्ड स्कूल सी मशीन है, देखी जाएगी। अब डाल दिया सिक्का मैंने। अच्छा, कहा जाता है कि अगर आप वैंकूवर में हो तो समझ लो ये अमेरिका है, क्योंकि बिल्कुल नियरेस्ट स्टेट इज़ वाशिंगटन है, यहाँ से करीब तरीन सिएटल है, तो ये इसकी वाइब जो है ना वो बहुत ज़्यादा उस जैसी है। अच्छा, तो अभी मैं खाने आया था पैरामाउंट फाइन डाइन्स, ये मिडिल ईस्टर्न फूड है। ओए होए 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 होए, लेकिन यहाँ आके मुझे नज़र आया जी द हलाल गाइज, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हलाल गाइज को ट्राई करें। इन्होंने न्यूयॉर्क से स्टार्ट किया था और अब कैनेडा में भी पहुँचे हुए ये। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। कहाँ से आप? झेलम से। झेलम से, अच्छा। हमें भी वैंकूवर पहुँचा हूँ अभी। जब तक आप वैंकूवर में हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया था आपने? हैदर भाई। सही है, थैंक यू। इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू। कितने हो गए जी? नहीं सर ऐसे ना करें, ये अच्छे खासे पैसे होते हैं, कर लेना। मैं कल फिर आ जाऊंगा, कल ले लिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हलाल गाइज में आते ही आपको बहुत येलो येलो सा एक माहौल महसूस होता है, और बेसिकली इन्होंने न्यूयॉर्क से स्टार्ट किया था, चिकन और बीफ जिस तरह डोनर होता है या शॉर्मा होता है, बट बेसिकली इनके प्लेटर्स बहुत मशहूर हुए थे जिसमें ये चिकन डालते हैं, फिर उसके बाद या बीफ आप जो भी ऑप्शन लेना चाहते हो, कॉम्बो भी मिलता है चिकन एंड बीफ का, नीचे राइस होता है, फिर उसके बाद चिकन और बीफ आता है, फिर उसके बाद डिफरेंट सॉसेज, जलेपिनोज, ऑलिव्स, फिर हुम्मस, फिर ब्रेड। तो मैंने भी वही एक प्लेटर बनवाया है कॉम्बो, बड़ा लीथल किस्म का ये प्लेटर है। और यहाँ पे जो मैनेजर हैं वो पाकिस्तानी लड़की हैं, उन्होंने भाई को पहचाना, और फिर एक हैदर भाई हैं झेलम से, तो मुझसे उन्होंने पैसे नहीं लिए। $23 बना इसका, लेकिन वो कोशिश की मैंने पैसे देने की, पैसे नहीं ले रहे। अब उसके बाद इन्होंने ये कुकीज़ भी फ्री भेज दी हैं, मतलब कहाँ
बंदा सोचता भी नहीं यार दुनिया में एक पाकिस्तान से कितना दूर वैंकूवर के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर पाकिस्तानी मिल गए। तो ये जी मेरा कॉम्बो प्लेटर, इसमें ऊपर बारबेक्यू सॉस है, फिर उसके बाद चिली सॉस है, फिर उसके बाद मेयोनीज है, फिर नीचे काफ़ी सारी जो है वो गार्लिक सॉस है, यहाँ पे ब्रेड है, और ये आई थिंक नीचे बीफ है, और इस तरफ छुपा हुआ है ये चिकन, और सबसे नीचे इसके राइस हैं। तो इसका कॉम्बो प्लेटर का फ़ायदा ये होता है, कॉम्बो नहीं प्लेटर का फ़ायदा ये होता है कि आपको राइस मिल जाते हैं। अगर वो पूरा आप शॉर्मा टाइप लो तो उसमें राइस नहीं मिलते। कॉम्बो में बीफ भी आ जाता है, चिकन भी आ जाता है, अदरवाइज आप सिंपल चिकन या सिंपल बीफ भी ले सकते हो। ओए होए होए होए, शदीद भूख में फर्स्ट बाइट हलाल गाइस की। ओए होए, मज़ेदार यार, इतने दिन के बाद मुझे कोई अपनी अपनी सी कोई चीज़ लग रही है। इतना टाइम हो गया पाकिस्तान से निकले हुए, आज इतने दिन बाद फील हो रहा है कि ओए होए वही राइस वही चिकन सॉसेस, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का। लास्ट टाइम मैंने टोरंटो में इसलिए ट्राई नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे मुझे इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिले थे, बट ये अब मुझे नहीं पता टोरंटो वाला कैसा होगा, ये वैंकूवर वाला तो अखीर मज़ेदार है। उसकी जो सॉसेस का और राइस और चिकन या बीफ, उसकी जो जूसीनेस और टेस्ट फील हो रहा है ना, बहुत लीथल है भाई। खा खा के थक गया हूँ मैं, पेट मेरा दर्द होने लग गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। ओए होए बहुत हैवी चीज़ है यार, हालांकि इतनी मज़े की चीज़ है फिर भी मुझे ये ख़त्म नहीं हो रहा, इतना हैवी है। अच्छा भाई, अभी मैं हलाल का इससे खाना शाना खा के निकला, तो हैदर भाई क्या हाल है जी? ठीक ठाक। नहीं, हैदर भाई का मुझे बात हो रही थी तो मुझे पता लगा कि ये ओन करते हैं ये वाला हलाल गाइस। मुझे इतनी खुशी हुई है सुन के कि यार माशाल्लाह पाकिस्तानी बंदा है। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, थैंक यू जी, थैंक यू। देखो कैसे कैसे कोइंसिडेंस होते हैं यार लाइफ में। खाने में पैरामाउंट आया था, बाय चांस मुझे हलाल गाइस नज़र आया, मैंने सोचा ट्राई करूं, जो कि हमारे पाकिस्तानी भाई का रेस्टोरेंट है और स्टाफ में पाकिस्तानी और इंडियन सारे लोग हैं और आधे सब्सक्राइबर भी थे। तो स्पेशल थैंक्स हलाल गाइस वैंकूवर फॉर फ्री फूड एंड कुकी। अभी जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मेरी जी, यहाँ पर एक गैस टाउन है, बहुत हिस्टोरिकल जगह है वैंकूवर की, वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ से तकरीबन 1.1 किलोमीटर है। आज का दिन मैं थोड़ा इजी ही रख रहा हूँ क्योंकि कल सारी रात मैं एडिट करता रहा, तो कोई 4 घंटे टोटल सोया हुआ हूँ, तो अभी इसलिए यहाँ करीब ही गेस्ट टाउन है, मैंने सोचा वो देख लेते हैं। क्या डिफरेंट फील है यार वैंकूवर की। अब ये सारी बिल्डिंग्स हैं मॉडर्न, बीच में कई बहुत पुरानी हिस्टोरिकल टाइप भी हैं, और वो सामने पूरी आपको माउंटेन रेंज नज़र आ रही है जिसके ऊपर बादल इकट्ठे हुए हैं। तो वैंकूवर के लोगों के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, वो ये कि अगर इन्होंने कोई एक भी छुट्टी आए तो ये ईज़िली यहाँ से विस्लर चले जाते हैं और वहाँ पर अपने मज़े किए। इवन विस्लर तो यार ऐसी जगह है कि वहाँ पर ख़ास तौर पर अमेरिका से और दुनिया से बहुत लोग आते हैं, और इवन मैंने सुना है कि काफ़ी सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की फेवरेट जगह है विस्लर। ओए बिल्डिंग ऊपर मैं देखने लगता हूँ लेकिन मेरा हेलमेट मेरी तो ऑन में फंस जाता है, तो वो मेरे से ऊपर देखा नहीं जा रहा सही। ये क्या बिल्डिंग है जी? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। ये कोई रेलवे स्टेशन है या कोई रेलवे की पुरानी बिल्डिंग है? हाँ स्टेशन है, वहाँ से मेरा ख्याल जाते हैं। ये स्ट्रीट है गैस टाउन वाली, बहुत आइकॉनिक स्ट्रीट है और बड़ी अच्छी इसकी हिस्ट्री है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं ज़रा बाइक कहीं पे पार्क कर लूँ, दोबारा से मिशन पार्किंग है, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि किस तरह से कहाँ पे पार्क करनी है। ओए होए 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 क्या बात है, ओए होए होए। अच्छा अब ये पार्किंग लॉट्स बने तो हुए हैं, ये मैंने भी चेक किया, वो टेम्परेरीली उन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे बाइक नहीं पार्क कर सकते, कहीं आके पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। मैं वहाँ पे कोई 25-30 मिनट पार्किंग ढूंढता रहा, पार्किंग नहीं मिली। फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि रात सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ,
तो मेरा वो बिल्कुल सिर्फ आंखें खुली हैं, दिमाग सो रहा वाला सीन है, तो मैं फिर वापस आ गया। वैसे भी अभी सही धूप छुप निकली है, मैंने कहा रेस्ट करता हूँ, कल आपको सही से वैंकूवर दिखाऊंगा। आज मैं भी ना देख पाता, आपको भी सही से मजे से ना दिखा पाता, तो फायदा उस चीज़ का। खैर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी लिख करें, भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पर फॉलो मास्टर, अल्लाह हाफिज़। सीधा इधर मैंने चेंज करके गिरना और सो जाना।